7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप की वजह से 300 किलोमीटर के तटीय इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, ताइवान में शनिवार को भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से दहला ताइवान। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 बताई जा रही है और जो वहां की एजेंसी है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि भूकंप की वजह से रेल सेवा बाधित हो गई, जबकि कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तटीय इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप से ट्रेन भी हिली, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। झटकों से पहाड़ों के भी दरकने की खबर सामने आ रही है। भूकंप के झटकों के बाद इस तरह की तस्वीरें ताइवान से सामने आ रही है। ऐसी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भूकंप के झटके से कांप उठा ताइवान। शनिवार शाम को दक्षिण पूर्वी ताइवान में भूकंप आया। भूकंप इतना जबरदस्त था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घरों में रखी चीजें अचानक से गिरने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप की वजह से कुछ दक्षिणी शहरों में मेट्रो सिस्टम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ताइवान रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हुलियन और ताइतुंग को जोड़ने वाली ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। साथ ही 5 अन्य हाई स्पीड रेल सेवाओं को सुरक्षा जांच होने तक रद्द कर दिया गया है। ताइतुंग काउंटी के उत्तर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। देखिए ट्रेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन भी हिलने लगी। इतने जबरदस्त झटके, ये देखिए ये तस्वीर जो वहां पर लोग मौजूद थे, आप देख सकते हैं किस तरह से डरे सहमे लोग आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। थमतर वहां पर मच गई। लोगों ने सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश की। कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये डर था कि भूकंप के झटके कब थमेंगे और कितना नुकसान हो सकता है। कभी भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इस तरह से अचानक जब भूकंप के झटके महसूस होते, आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ताइवान में 7.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। कई जगहों पर नुकसान की खबरें हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। झटकों से पहाड़ों के दरकने की भी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शनिवार रात 9:41 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद रविवार सुबह तक 47 झटके महसूस किए गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मौसम एजेंसी ने ये जानकारी दी है कि इन झटकों के कारण कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। दीवार गिरने की खबर सामने आ रही है। कई जगह पर बिजली भी गुल हुई, पानी के पाइपलाइन फटे, सेल ढह जाना आदि इस तरह की घटनाएं हुई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।